स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर विच नेम इज़ नेशनल हीरोज़, कौमी जो हमारे कौमी हीरो हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कायद आज़म मोहम्मद अली जिना. स्टूडेंट्स, यू नो दैट कायद आज़म मोहम्मद अली जिना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया है, ठीक है. मोहम्मद अली जिना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची. कायद आज़म मोहम्मद अली जिना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. हिज फादर वॉज पूजा जिना भाई. उनके फादर का क्या नाम था, वालिद का क्या नाम था, पूजा जिना भाई. ही फर्स्ट स्टडीड इन कराची आफ्टर कॉलेज. ही वेंट टू लंदन फॉर हायर स्टडीज. सबसे पहले उन्होंने कराची में एजुकेशन हासिल की, उसके बाद आफ्टर कॉलेज ही वेंट टू लंदन. वो लंदन चले गए फॉर हायर स्टडीज, अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है. ही वॉन्टेड टू बी अ बैरिस्टर एंड बिकेम वन एट द एज ऑफ 19. वो बैरिस्टर बनना चाहते थे एंड बिकेम वन, और वो बन गए एट द एज ऑफ 19 ईयर्स में वो बैरिस्टर बन गए. आफ्टर कमिंग बैक ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ लॉयर. वापस आने के बाद उन्होंने एज अ लॉयर जो है वो प्रैक्टिस शुरू की. लॉयर का मतलब होता है बेटा वकील. ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा मेहनती थे. एवरी वन न्यू हिम टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव. हर बंदे को पता था कि कायद आज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा ज़हीन एंड ब्रेव और बहुत ज़्यादा बहादुर हैं. ही वर्क हार्ड टू गेट अ सेपरेट कंट्री फॉर अस. उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि वो हमें एक सेपरेट, एक अलहदा मुल्क दिलवा सके. इन 1938 पीपल डिसाइडेड टू कॉल हिम कायद आज़म. 1938 में लोगों ने ये फैसला किया कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को क्या कहेंगे, कायद आज़म कहेंगे. विच मीन्स ग्रेट लीडर, जिसका मतलब है एक अजीम रहनुमा, अजीम लीडर. ही डाइड इन 11 सितंबर 1948. वो 11 सितंबर 1948 को हमसे बिछड़ गए एंड इज़ बरीड इन कराची, और उनको कराची में दफनाया गया. थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू.